These oogonium, they are produced during the embryonic stage. Embryonic stage के समय ही ये सारे oogonium जो है ये produce होते हैं from the endoderm of yolk sac. Okay? और endoderm of yolk sac से ये जो oogonium है they cluster together and they form. ये क्या form करते हैं? ये form करते हैं एक sac. ओके एग क्लस्टर फॉर्म करते हैं. दे फॉर्म द एग क्लस्टर. इसे हम एग क्लस्टर क्योंकि इसके भीतर एग प्रोड्यूस होने वाला है वो देखते हैं हम ये कैसे होता है. सी हियर ऑल द ओगोनिया दे क्लस्टर टुगेदर एंड दे फॉर्म. ओके वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ओके वो क्लस्टर एग क्लस्टर कहलाता है और इसके अराउंड में एक कवरिंग डेवलप होती है और ये कवरिंग इस जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू ओके किससे जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से. अभी आ रहा है आवाज आ रहा है क्या अभी? ओके आई एम ऑडिबल टू यू. ओके आ रही है आवाज. तो ये जो ओगुनिया है सर आवाज नहीं आते. सर आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही होगी आवाज हमारी. ओके अब आ रही है. हाँ सर. ओके ओके ठीक है चलो. तो ये जो ओगोनियम है दिस ओगोनियम इट आफ्टर माइटोटिक डिवीजन दिस ओगोनिया दे फॉर्म प्राइमरी. क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे फॉर्म प्राइमरी ओसाइट्स. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे फॉर्म प्राइमरी ओसाइट्स. ओके एंड दिस प्राइमरी ओसाइट्स दे फॉर्म क्लस्टर. ये क्लस्टर फॉर्म करते हैं जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा था. इस तरह से ये सारे के सारे ओके क्लस्टर्स होते हैं. ये प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं. ओके इसी को हम एक क्लस्टर भी कह सकते हैं. ओके और ये क्लस्टर जुड़ा हुआ होता है ओवरी वॉल के साथ. इसी को हम एग ट्यूब ऑफ पी फ्लजर कहते हैं. एग ट्यूब ऑफ पी फ्लजर. ओके ओके तो इसके बाद अगला पॉइंट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट. ओके तो यहाँ पर दिस प्राइमरी ओसाइट. ओके देखिए ये जो प्राइमरी ओसाइट्स है दिस प्राइमरी ओसाइट्स they are developed into primary follicle. देखिए primary oocyte का conversion primary follicle में होता है. primary follicle का जो yes structure है वो modify होता है secondary oocyte और secondary follicle में और secondary follicle का tertiary follicle में conversion होता है. यानि graafian follicle tertiary follicle यानि ग्राफियन फॉलिकल. तो देखिए बच्चों ये जो प्राइमरी ओसाइट्स है इस प्राइमरी ओसाइट्स जो है इस प्राइमरी ओसाइट का प्राइमरी फॉलिकल बनता है.
प्राइमरी फॉलिकल से, ओके प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है, isn't it? सेकेंडरी फॉलिकल, ओके सी हियर, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बच्चों लास्टली ग्रैफियन फॉलिकल बनता है, ओके तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस, इस स्टेजेस के समय जो जो चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस और जो भी हार्मोनल चेंजेस है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, ओके तो बच्चों बिफोर द बर्थ, बिफोर द बर्थ दीज ओगोनिया दे कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड दे प्रोड्यूस, ओके लिव आउट टू 3 मिलियंस ऑफ नियरली 5 मिलियंस ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स, ये प्राइमरी ओसाइट्स फॉर्म करते हैं, ओके इसमें से आफ्टर बर्थ, ओके ये बिफोर बर्थ है, बिफोर बर्थ देयर अबाउट 5 मिलियंस प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी ओसाइट्स, मगर आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद, ओके बर्थ होने के बाद कितने बचते हैं, नियर अबाउट 1 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स रिमेन फंक्शनल, ओके और उसमें से जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है, जब सेक्सुअलिटी अटेन होती है एट द एज ऑफ, ओके जब फीमेल जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, ओके मींस सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है मींस फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग जब स्टार्ट होता है, ओके उसे कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, अटेनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी हम जनरली कंसिडर करते हैं, दिस सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड एट द एज ऑफ 13 नॉर्मली, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, ठीक है तो बच्चों इस एज में हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इट प्रोड्यूस द सम इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके जैसे मेल में हमने देखा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दे प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, वैसे ही यहाँ फीमेल में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते समय जितने भी प्राइमरी ओसाइट्स थे बच्चों, क्या जितने भी प्राइमरी ओसाइट्स प्रोड्यूस हुए थे, ओके प्राइमरी ओसाइट्स, इस प्राइमरी ओसाइट से, ओके ये प्राइमरी ओसाइट्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद नियर अबाउट 3 मिलियन जो है एक्टिव ओसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 13 इयर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, ओके यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आती है उस समय उस फीमेल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन स्टार्ट होता है और इस सिक्रीशन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ओके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके दीस हार्मोनल सिक्रीशन स्टार्ट्स आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल, ओके ये FSH और LH ये क्या करते हैं, दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्रैफियन फॉलिकल, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट ट्रांसफॉर्म वन प्राइमरी ओसाइट्स इनटू one graphene follicle at one time in one reproductive cycle in one sexual reproduction cycle that is menstrual cycle, okay yani ek mahine mein ek primary oocyte ka conversion, okay primary follicle secondary follicle and graphene follicle mein kiya jata hai, okay yani iska matlab ye hai before birth ov ke bhitar already 3 मिलियन ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स मौजूद होते हैं, ओके आफ्टर बर्थ उसमें से डीनेचर हो जाते हैं और उसमें से बचे हुए कौन से 1 मिलियन जो प्राइमरी ओसाइट है उनमें से कोई एक ही सिंगल प्राइमरी ओसाइट जो है, ओके वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से उसका कन्वर्जन, उसका ट्रांसफॉर्म प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन ग्रैफियन फॉलिकल में होता है और इसी फॉलिकल के भीतर बच्चों ओवम, ओके इसी फॉलिकल के भीतर ओवम की निर्मिति होती है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ओजेनेसिस, ओजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रैफियन फॉलिकल फ्रॉम प्राइमरी ओसाइट्स इज कॉल्ड ओजेनेसिस, ऐसे हम कहेंगे, ओके ओजेनेसिस
क्या होता है वो जेनेसिस के लिए हम और एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं ओके वो डेफिनेशन क्या है वो डेफिनेशन है द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स ओके सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम प्राइमरी ओसाइट इट इज आल्सो नोन एज ओजेनेसिस ओके इसी को भी हम ओजेनेसिस कहते हैं ओके तो बच्चों और इसके बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे सीयर आपको यहाँ पर जो जो हमने आपको बताया डेफिनेशन उसे आपने लिख कर लेना है ओके इज़न्ट इट नेक्स्ट वन अगला पॉइंट देखिए तो सीयर यहाँ पर आपको ओजेनेसिस के जो इम्पोर्टेंट सीयर इस रे डायग्राम के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि एक सिंगल ओसाइट्स का कन्वर्जन किस तरह से ग्राफियन फॉलिकल में या फिर ओवम में होता है सीयर बच्चों ये जो यहाँ पर लाइन है ये बिफोर बर्थ है ये कौन सी लाइन है इस लाइन के ऊपर की ओर इस लाइन के अपर पोर्शन में ये जो पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट बिफोर बर्थ का है बिफोर बर्थ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज लार्ज नंबर ऑफ ओगोनियम ओके दे कंटिन्यूअसली डिवाइड्स एंड फॉर्म प्राइमरी ओसाइट्स ये क्या फॉर्म करते हैं प्राइमरी ओसाइट्स एंड दिस प्राइमरी ओसाइट इट इज डिप्लॉइड वन ये डिप्लॉइड होते हैं कैसे होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं And these primary oocytes here, after their growth and development, here, this primary oocytes here, they undergo meiosis first. Okay? They undergo meiosis first. But this meiosis stage first, isn't it? It does not get complete. ये कंप्लीट नहीं होती है इसे कंप्लीट करने के लिए एक्टिवेशन लगता है इसे कंप्लीट होने के लिए हार्मोनल सिक्रीशन की जरूरत है और इस हार्मोनल सिक्रीशन ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय नहीं होती इसीलिए बच्चों मियोसिस फर्स्ट जो स्टेज है इस मियोसिस फर्स्ट में सारे के सारे प्राइमरी ओसाइट्स दे गेट टेंपरेरली अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज स्पेशली इन डिप्लोइडिंग स्टेज ओके तो बच्चों प्राइमरी ओसाइट्स ये अरेस्टेड हो जाते हैं दे गेट टेंपरेरली अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ये प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोइडिंग स्टेज है उस स्टेज में ये अरेस्ट हो जाते हैं आफ्टर अरेस्ट फिर ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है या नहीं ओके वो जानेंगे सीयर बच्चों ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा गया है बच्चों प्राइमरी ओसाइट किस सेल्स कौन सी स्टेज में टेंपरेरली अरेस्टेड होता है आपको याद रखना है मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोइडिंग इस स्टेज को ओके इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपको इन सभी को याद रखना और ये अरेस्टेशन ये टेम्परली अरेस्टेशन बच्चों अरेस्टेशन ये कहाँ होता है इट इज टेक्स प्लेस बिफोर द बर्थ इट इज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन ओके ये कहाँ पर होता है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है बच्चों ओके इट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ठीक है फिर मियोसिस फर्स्ट कभी कंप्लीट होती है या नहीं ओके ये कंप्लीट होती है तो ये कैसे होती है ओके या फिर इसी तरह से ये अटेस्टेशन में रहती है इस सवाल का जवाब यहाँ पर हम देंगे बच्चों ओके सी हियर तो देखिए आफ्टर बर्थ बर्थ के बाद क्या होता है इन चाइल्डहुड ओके चाइल्डहुड में सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती क्योंकि जो हार्मोनल सिक्रीशन है ओके हार्मोनल सिक्रीशन है वो बहुत ही प्रभावित करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होने के लिए ओके सी हियर व्हेन द फीमेल गर्ल व्हेन द फीमेल चाइल्ड ओके अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम भी आपको डिस्कस करवाने वाले हैं ओके जब 13 एज में जो फीमेल चाइल्ड है इट गेट ओके इट अटेन इन द सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये हार्मोन एक्चुअली क्या करते हैं बच्चों सी तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ओके दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे कन्वर्ट क्या करते हैं दे कन्वर्ट प्राइमरी ओसाइट्स इनटू
देखिए प्राइमरी ओसाइट्स इनटू प्राइमरी फॉलिकल देन प्राइमरी फॉलिकल इनटू सेकेंडरी फॉलिकल एंड फ्रॉम सेकेंडरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल यानी वेसिकुलर फॉलिकल। ओके क्या कहेंगे वेसिकुलर फॉलिकल। बच्चों अब यहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां एक आपको ध्यान देना है। ओके आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी दिस फीमेल चाइल्ड ओके इनसाइड द ओवरी ऑफ फीमेल चाइल्ड दिस मियोसिस फर्स्ट ओके प्रोफेज फर्स्ट डिप्लोटिन फर्स्ट इट इज क्रॉस्ड। ओके यानी जो पर टेम्परली अरेस्टेड स्टेज में जो प्राइमरी ओसाइट था बच्चों वो अपनी प्रोफेज स्टेज से बाहर आ जाता है। ओके इजंट इट वो आता है कहां मियोसिस सेकेंड स्टेज में इजंट इट इट क्रॉसेस प्रोसेस ये कहां ये क्या क्रॉस करता है इट क्रॉसेस प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को क्रॉस कर लेता है। ओके मींस यहाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। ओके और साथ ही साथ नेक्स्ट वन मियोसिस सेकेंड भी जो है बच्चों सी यहाँ पर मियोसिस सेकेंड जो है उसका क्रॉस नहीं हो पाता। ओके आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी द प्रोफेज फर्स्ट मींस मियोसिस फर्स्ट क्रॉस बाय द प्राइमरी साइड से। ओके जो अरेस्टेड स्टेज में था वो आगे जाता है। ओके देन नेक्स्ट वन मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हियर। ओके मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस सेकेंड में ओके मियोसिस सेकेंड में ये सेकेंडरी ओसाइट जो होता है बच्चों सीयर सेकेंडरी ओसाइट्स जो होता है उसे हम सेकेंडरी ओसाइट्स कहेंगे इट रिमेन अरेस्टेड इन मियोसिस सेकेंड। ओके यानी जब तक ये ओसाइट मियोसिस फर्स्ट में है उसे हम प्राइमरी ओसाइट्स कहेंगे। ओके ये प्राइमरी ओसाइट्स हियर जब तक ये प्राइमरी ओसाइट स्टेज में है हियर ये प्राइमरी फॉलिकल में जो प्राइमरी ओसाइट्स है ओके मींस जब तक मियोसिस फर्स्ट में अरेस्टेड है ओके तब तक हम उसे प्राइमरी ओसाइट्स कहेंगे। जब इस प्राइमरी ओसाइट्स को क्रॉस कर लेते हैं ओके क्रॉस किया जाता है उसे हम सेकेंडरी ओसाइट्स कहेंगे और यहाँ पर ये सेकेंडरी ओसाइट जो होता है इट रिमेन अरेस्टेड इन मियोसिस सेकेंड ये अरेस्ट हो जाती है मियोसिस सेकेंड में यानी कंप्लीट मियोसिस डज नॉट ऑकर स्टिल इट इज इन अरेस्टेशन। ओके तो बच्चों इन सभी पॉइंट्स को हमें आगे भी देखना है। ओके सी तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा इसे हम कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल। देखिए बच्चों द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल from primary oocytes is called oogenesis। इसे हम क्या कहते हैं oogenesis या फिर formation of secondary oocytes from primary oocytes okay is called oogenesis हम इसे भी oogenesis कहते हैं। okay इसे भी हम क्या कहते हैं oogenesis कहते हैं। ओके तो बच्चों इस तरह से ये प्राइमरी मींस मियोसिस फर्स्ट जो है वो क्रॉस होता है कब आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। ओके और फिर से अरेस्टेशन होता है कहां पर मियोसिस सेकेंड में मेटाफेज सेकेंड में। ओके तो बच्चों यहां पर जो मियोसिस फर्स्ट को जो क्रॉस किया गया है वो किस हार्मोन की वजह से है इट इज ड्यू टू द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बच्चों इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ही प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में ही फॉलिकल है यानी इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स।
okay, this primary, this follicle stimulating hormone, if it does not secrete by the anterior pituitary glands, anterior part of pituitary gland, that is adenohypophysis of anterior pituitary, then secondary oocytes does not form या फिर follicles are not produced. बच्चों follicle stimulating hormone they promote the formation of Graafian follicle from primary oocytes. Okay, primary oocyte का conversion तब तक Graafian follicle में हो नहीं सकता जब तक के sexual maturity आने के बाद FSH produce होता ना हो. Okay, बच्चों जिस फीमेल में FSH सीक्रेट नहीं होता है उन फीमेल में Graafian follicle फॉर्म नहीं होता और Graafian follicle फॉर्म ना होने की वजह से ओवम भी प्रोड्यूस नहीं होगा. क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? ओवम भी प्रोड्यूस नहीं होगा, isn't it? तो ऐसी फीमेल स्टराइल फीमेल रहती है वो सेक्सुअली isn't it मैच्योर नहीं कहलाती है क्योंकि उनमें Graafian follicle फॉर्मेशन करने वाला जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रेट नहीं होता है इसीलिए. ओके, फिर अगला पॉइंट देखिए बच्चों, मियोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो जाती है एफएसएच की वजह से और कंप्लीट Graafian follicle प्रोड्यूस होता है मगर इस Graafian follicle में जो न्यू यहाँ पर Graafian follicle में जो oocytes है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं. What is the difference between primary oocyte and secondary oocyte? इन दोनों में बहुत ही important difference है बच्चों. Primary oocyte it get arrested in prophase first at diploid stage of meiosis first, but secondary oocyte, okay, after attaining maturity, this meiosis first it get complete and secondary oocyte it undergo temporary arrested stage at meiosis second or metaphase second. Okay, तो बच्चों अगला point देखिए, यहाँ पर जो secondary oocyte जो Graafian follicle में present है, इस Graafian follicle के भीतर ये meiosis second यानी metaphase second में temporarily arrested है बच्चों. फिर इसके बाद LH हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. LH हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से बच्चों दिस ओके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट को क्रॉस करकर मियोसिस सेकेंड में ही अरेस्टेशन हो जाता है. ओके, सेकेंडरी ऊसाइट हम इसे कहेंगे क्योंकि इस स्टेज में सेकेंडरी ओके यहाँ पर सेकेंडरी ऊसाइड में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है और ये एलएच हार्मोन की वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से. ओके, तो बच्चों अगला पॉइंट ये सेकेंडरी ऊसाइड्स है. सी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीशन होने के बाद बच्चों मेटाफेज सेकेंड जो कंप्लीट होता है बच्चों इस समय क्या होती है. ओके, यहाँ पर मियोसिस जो है सी यहाँ पर जो मियोसिस है मियोसिस फर्स्ट हो जाने के बाद कंप्लीट होने के बाद मियोसिस सेकेंड होने के बाद उस मियोसिस सेकेंड में बच्चों एक सिंगल पोलार बॉडी प्रोड्यूस होती है. ओके, मियोसिस फर्स्ट के बाद ये सेल हैप्लोइड हो चुके हैं. ओके, हैप्लोइड होने के बाद एक जो सेल है उसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे जनरली, उसको ओके इट बिकम्स इनएक्टिव. ओके, उसे हम पोलार बॉडी कहते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही जो सेल है वो रिमेन एक्टिव रहती है और वो सेकेंडरी ऊसाइट्स कहलाती है. वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी ऊसाइट्स. मगर इसमें भी अभी एक छोटी सी बात आपको गौर फरमाना है कि यहाँ पर ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड है. ओके, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ओके सेकेंडरी ऊसाइट हैप्लोइड सेकेंडरी ऊसाइट्स एंड वन पोलार बॉडी प्रोड्यूस. ओके, प्राइमरी ऊसाइट डिप्लोइड है, सेकेंडरी ऊसाइट हैप्लोइड है. ओके, फिर मगर यहाँ पर ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड है, इसे याद रखना है. फिर इसके बाद बच्चों ये जो सेकेंडरी ऊसाइड है, ध्यान दीजिए बच्चों, आप जो बताने जा रहे हैं आपको
जो आपको बताने जा रहे हैं वो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बच्चों मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीट अनलेस एंड अंटील स्पर्म फ्यूजेस विद द सेकेंडरी ओसाइट्स। हमने क्या कहा? Unless and until sperm penetrate the secondary oocyte, it does not cross metaphase second। बच्चों इसका मतलब ये है, जब तक sperm की entry नहीं होती तब तक क्या होता है, secondary oocyte as it is रहता है, वो metaphase second में arrested रहता है temporarily, और जब sperm की entry हो जाती है उस समय क्या होता है, उस समय मियोसिस सेकेंड क्रॉस बाय मेटाफेज सेकेंड क्रॉस बाय सेकेंडरी ओसाइट क्या करता है, मेटाफेज सेकेंड को क्रॉस करता है, और आफ्टर क्रॉसिंग मेटाफेज सेकेंड को क्रॉस करने के बाद बच्चों पोलार बॉडी भी मेटाफेज सेकेंड को क्रॉस करती है, और यहाँ पर ये दो पोलार बॉडी ये अर्लियर पोलार बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं, और इस सेकेंडरी ओसाइट के मेटाफेज सेकेंड को क्रॉस करने की वजह से थर्ड पोलार बॉडी बनती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और पोलार बॉडी बनती है, और यहाँ पर इसे हम सेकेंडरी पोलार बॉडी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये सेकेंडरी ओसाइट से फॉर्म हुई है, इसीलिए इसे हम सेकेंडरी पोलार बॉडी भी कह सकते हैं। जब सेकेंडरी ओसाइट की फ्यूजन स्पर्म के साथ होता है तब सेकेंडरी ओसाइट्स में मेटाफेज सेकेंड को ये क्रॉस करती है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है और फॉर्म होती है पोलार बॉडी एंड ओवम। पोलार बॉडी और ओवम प्रोड्यूस होता है बच्चों, यानी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। बच्चों इसका मतलब ये है, फीमेल गैमेट जो है जब तक स्पर्म इंटर नहीं होता तब तक सेकेंडरी ओसाइट्स का मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होकर ओवम प्रोड्यूस नहीं होता है बच्चों। मगर सीयर नो प्रॉब्लम, मगर जब भी हम लेक्चर वगैरह लेते हैं उस समय हम सेकेंडरी ओसाइट्स का प्रोनाउंस सेकेंडरी ओसाइट को हम ओवम ही मानते हैं। इजंट इट इन जनरल हम सेकेंडरी ओसाइट्स को ही ओवम इस तरह से असाइन करते हैं। तो बच्चों ये आपको ओजेनेसिस यहां पर समझ में आया होगा। ये ओजेनेसिस आज आपको पढ़ाने का मतलब मींस ये आपको हमने आज क्यों पढ़ाया, क्योंकि जो ओवरी में जो चेंजेस होने जा रहे हैं उसे जो डिस्कशन करना है उसका, और इन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड का बहुत ही गहरा संबंध है बच्चों, और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ये जो पॉइंट है हमने आपको यहाँ पर क्लियर किया। तो बच्चों लेट अस डिस्कस अबाउट द साइक्लिक चेंजेस दैट टेकिंग प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो बच्चों ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन में किस तरह के चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस ओवरी में होते हैं उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों जैसे कि हमने आपको बताया ये सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे आर वेल कवर्ड विद द कॉर्टिकल सेल्स। बच्चों आपको पता होगा ये कंप्लीट जो एरिया है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। ये कंप्लीट एरिया क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। और उसके भीतर का जो एरिया है बच्चों वो क्या कहलाता है, सी हियर लाइक दिस, ये जो एरिया है कंप्लीट कॉर्टेक्स रीजन है बच्चों, और मिडिल जो पोर्शन है सबसे सेंट्रल जो पोर्शन है ओवरी का वो होता है स्टोमा। स्टोमा इज वेल वैस्कुलराइज्ड विद द ब्लड वेसल्स। तो बच्चों इस स्टोमा लेयर में पाए जाने वाले जो सेल्स है वो सेल्स किसे कवर करते हैं, दीज सेल्स दे कवर द प्राइमरी ओसाइट्स। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ओसाइट्स है बच्चों, वन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट इट इज कवर्ड when deer attaining sexual maturity FSH hormone secretion takes place, due to this FSH hormone only one primary oocyte of any one either of the ovary it activate, वो activate होता है, और इनमें से कोई भी एक primary oocyte जो है बच्चों उसके around में क्या जमा होना शुरू हो जाते हैं, उसके around में कॉर्टिकल सेल्स क्या करते हैं, कॉर्टिकल सेल्स दे सराउंड द
primary oocytes. Now this primary oocyte, now it is called as primordial follicle. अब इस primary oocytes को हम क्या कहते हैं? इस primary oocytes को हम primordial follicle कहते हैं. And this primordial follicle, it undergo the cyclic changes into the mature follicle. Okay, यही primordial follicle जो है बच्चों, इसमें changes होते जाते हैं और ये changes होकर इससे mature follicle, यानी Graafian follicle का formation होता है और इसी को हम कहते हैं oogenesis. इसी को हम क्या कहते हैं? Oogenesis. और इस ओजेनेसिस में बच्चों, ओके, फॉर द फर्स्ट डे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब एफएसएच का सेपरेशन होता है तब बच्चों यहाँ पर ये सारी कार्यवाही शुरू हो जाती है. ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है बच्चों, ओके, कुछ सेकंड बचे हुए हैं बच्चों, 40 सेकंड बचे हुए हैं, फिर से आपको यहाँ पर जुड़ना होगा, ओके, ओजेनेसिस को कम्प्लीट स्टडी करने के लिए. ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है इसके, ओके, जब कॉर्टिकल सेल्स प्राइमरी ओसाइट के अराउंड में कवर्ड करते हैं प्राइमरी ओसाइट को, उसे हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं. और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ओके, सीयर प्राइमोर्डियल फॉलिकल लाइक दिस, देखिए ये है ओसाइट्स, ओके, प्राइमरी ओसाइट्स. इसके अराउंड में देखिए बच्चों, यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठा हो रहे हैं, ओके, इसी को हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे. और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, दे इंक्रीज देयर लेयर्स, ओके, सारे कॉर्टिकल सेल वन बाय वन मेनी लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चों. देखिए कितने सारे लेयर्स यहाँ पर फॉर्म किए हैं, ओके, इन सभी लेयर्स को हम क्या कहें?